रहीम कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 73। आज हमने इसमें तीन टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। पहला है इसमें कैश मेमोरी, एक है बस इंटरकनेक्शन और कंप्यूटर बसेस एंड इट्स टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रैम की तरह की एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो बिल्ट इन होती है मदरबोर्ड के अंदर। इसके असल में तीन लेवल्स होते हैं, लेवल वन कैश, लेवल टू कैश, लेवल थ्री कैश। लेवल वन और टू जो होती है वो प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन होती है। लेवल थ्री कैश जो होती है वो मेन बोर्ड के अंदर, सिस्टम बोर्ड के अंदर बिल्ट इन होती है। इसमें इसका जो बेसिक पर्पज ये होता है कि इसकी स्पीड रैम से भी ज्यादा होती है, लेकिन मेमोरी जो है वो रैम की निस्बत कम होती है। प्रोसेसर जब भी डाटा को फेच करता है तो पहले बार डाटा रैम में स्टोर करता है, रैम से फिर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूशन के लिए जाती हैं तो उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। वही इंस्ट्रक्शन या वही डाटा जब दोबारा से कंप्यूटर फेच करने लगता है तो पहले वो कैश मेमोरी में देखता है, अगर कैश मेमोरी में उसको मिल जाए तो फिर वहीं से वो गेट कर लेता है, क्योंकि ये मेमोरी सीपीयू या प्रोसेसर के करीब होती है तो वहीं से डाटा एक्सेस कर लेना वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें कैश मेमोरी जो है फास्ट मेमोरी कहलाती है, होती ये भी टेम्परेरी मेमोरी है, साइज इसका स्मॉल होता है। इसमें वो इंस्ट्रक्शन आम रूटीन में स्टोर होती हैं जो सीपीयू बार बार इवेल्युएट करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो कैश मेमोरी इज अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। It is designed to speed up the transfer rate of the transfer of data and instructions. It is faster than RAM. ये जो है RAM की निस्बत fast होती है। Data instruction that are most recently or most frequently used by CPU are stored in cache memory. जो बार बार data access करना है, जैसे एक आपके पास अगर हम pen या pencil की example लें तो हम आम रूटीन में कहाँ रखते हैं, एक तो बैग के अंदर आप रख लेते हैं पेन या पेंसिल, या फिर एक अलग से एक वॉलेट बना होता है उसमें आप रख लेते हैं, या फिर पेन या पेंसिल आपने पॉकेट में या हाथ में पकड़ी होती है। तो इसी की एग्जांपल अगर हम ये देखें कि जो चीज़ आपने बार बार यूज़ करनी है उसको आप बैग में नहीं रखेंगे, उसको आप हाथ में पकड़े रखेंगे। जैसे एक लेक्चर अगर हो रहा है तो उसमें बार बार आपको पेन से कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि एक लफ्ज़ लिखा या एक लाइन लिखी या एक पैराग्राफ लिखा उसके बाद पेन बंद किया और बैग में रख लिया, फिर दोबारा पैराग्राफ लिखना है फिर पेन बैग से निकाला, तो आप नहीं, आप क्या करेंगे उसको आप हाथ में पकड़े रखेंगे। या ज़्यादा भी होगा तो एक चीज़ अगर कंप्लीट कर ली है या एक लेक्चर हो गया है अब उसके बाद दूसरा लेक्चर होना है तो आप उसको बंद करके पॉकेट में रख लेंगे। जब आप दोबारा से पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले पॉकेट में देखेंगे, फिर आप बैग में या वॉलेट में देखेंगे अगर पॉकेट में ना हो, अगर पॉकेट में होगा तो फिर आप वहीं से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो इसी तरह ऐसी इंस्ट्रक्शन या ऐसा डाटा जिसकी बार बार कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है वो इंस्ट्रक्शन वो किसमें स्टोर करता है, कैश मेमोरी में, ताकि उसको रैम से या आगे किसी हार्ड डिस्क से एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें डेटा आर एंड इंस्ट्रक्शंस आर रिट्रीव्ड फ्रॉम रैम व्हेन सीपीयू यूजेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे सीपीयू पहली बार उसको करता है, कॉपी ऑफ डेटा आर इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन कैश, द नेक्स्ट टाइम द सीपीयू नीड्स द डेटा आर इंस्ट्रक्शन इट फर्स्ट लुक इन द कैश, इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड देयर इट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम कैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी। तो इसमें कैश मेमोरी में से डाटा एक्सेस कर लेता है मेन मेमोरी की निस्बत और इससे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो जाती है। सेकंड इसमें है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन का पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वो पैरेलल लाइंस जिसकी मदद से डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफर होता है। मेन बोर्ड के अंदर जो बारीक बारीक लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, बस इंटरकनेक्शन। जितनी वो ज्यादा तादाद में होंगी उतना ही कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होगी। कि अगर वो 8 बिट में है, 8 वायर्स हैं, 8 तारे हैं, पैरेलल ट्रांसफर हो रही हैं, क्योंकि आम रूटीन में इसमें पैरेलल कम्युनिकेशन होती है
इसमें सीरियल कम्युनिकेशन नहीं होती, पैरेलल होती है, जिसमें वन बाइट एट ए टाइम ट्रांसफर हो सकता है। अगर 16 वायर्स एट ए टाइम पैरेलल जा रही हैं तो उसमें 2 बाइट एट ए टाइम डाटा ट्रेवल कर सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज सच एज सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर के अंदर जैसे मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, मेन मेमोरी है, सीपीयू है, रजिस्टर्स हैं या और मुख्तलिफ मेमोरीज हैं, तो इसमें दीज डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू एन इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द डिवाइसेज, कि इनके दरमियान में जो डाटा कम्युनिकेशन है वो इस हवाले से होता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि डाटा कम्युनिकेट करना है, रैम से सीपीयू तक डाटा जाना है, तो रैम से सीपीयू तक जब डाटा जाएगा तो वो किसकी मदद से जाएगा, उन पैरेलल वायर्स की मदद से ट्रांसफर होगा। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, बस इंटरकनेक्शन कहेंगे। इसी तरह यही डेफिनेशन उसमें कंप्यूटर बस की है, कंप्यूटर बसेस भी उन्हें बस इंटरकनेक्शन को ही कहा जाता है, कि बस इज अ कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इट सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क के साथ भी जो कनेक्ट होती हैं वो भी सेकेंडरी। अब इसमें बाज वायर्स ऐसी होती हैं जो कि यूनि डायरेक्शनल होती हैं, कुछ वायर्स ऐसी होती हैं जो बाई डायरेक्शनल होती हैं। यूनि डायरेक्शनल कौन सी होती हैं, जिसमें डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होता है। बाई डायरेक्शनल कौन सी होती हैं, जिसमें डाटा ऑन बोथ साइड मूव करता है। जैसे हार्ड डिस्क के साथ जो डाटा केबल कनेक्ट होती है उसमें डाटा हार्ड डिस्क में भी जाएगा, हार्ड डिस्क से रैम में भी जाएगा, तो इसी तरह डाटा दोनों तरफ का फ्लो रहेगा। इसी तरह रैम के अंदर भी डाटा स्टोरेज के लिए, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो बसेज आगे हम पढ़ेंगे उसमें हम उसमें देखेंगे कि इसमें यूनि डायरेक्शन कौन सी होती हैं और बाई डायरेक्शन कौन सी होती हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ बस कैन ट्रांसफर एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ, जितना डाटा वो एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकती है बस, उसको हम क्या कहेंगे, उस बस की विड्थ या बस विड्थ। हायर बस विड्थ मीन्स द बस कैन कैरी मोर डाटा, इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। अ बस विद 32 लाइंस कैन कैरी 32 बिट्स ऑफ आर 4 बाइट्स एट अ टाइम। इसी तरह अगर 64 लाइंस हैं, यानी 64 वायर्स अगर एट ए टाइम ट्रेवल कर रही हैं, तो उसमें 64 बिट्स या 8 बाइट्स डाटा ट्रेवल करेगा। अब एक कंप्यूटर जिसमें 8 वायर्स हैं, एक कंप्यूटर जिसमें 64 वायर्स हैं, तो दोनों की स्पीड जो है वो फास्ट होगी, कि जिसमें डाटा का फ्लो ट्रांसफर होता है। अब अगर आप ये कहें कि दोनों तरफ उसमें फ्लो को मेंटेन करने के लिए अगर प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है, रैम की स्पीड फास्ट है, हार्ड डिस्क की स्पीड फास्ट है, लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल है वो 8 बिट है, तो जारी बात है कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी। तो कंप्यूटर की स्पीड का इनसार इस बात पर भी होता है कि कंप्यूटर बस उसमें कौन सी है। टाइप्स ऑफ बसेस में मेजर इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक सिस्टम बसेस और एक होती हैं एक्सपेंशन बसेस। सिस्टम बसेस के जिसमें मेन कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर के हैं वो कनेक्ट होते हैं, जैसे सीपीयू है, मेन मेमोरी है, हार्ड डिस्क वगैरह ये बाकी उसमें हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, सिस्टम बसेस। इसको हम नेक्स्ट आगे डिटेल क्वेश्चन के तौर पर भी नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम बसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। कंप्यूटर नॉर्मली हैव सिस्टम बसेस ऑफ 70 to 100 लाइंस तक इसमें हो सकती हैं, और इसमें तीन टाइप्स की वायर्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। अब जिस तरह 70 to 100 लाइंस में हैं, तो कुछ वायर्स उसमें डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए होती हैं, कुछ एड्रेसेस को, कुछ कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए होती हैं। सेकंड इसमें आ जाती है एक्सपेंशन बसेस। एक्सपेंशन बसेस जिसके साथ एक्सपेंशन स्लॉट के साथ जो वायर्स कनेक्ट होती हैं, जो पैरेलल लाइंस एक्सपेंशन स्लॉट्स, जिसमें लैंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, मोडेम, ये मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें जहां पर कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं ग्राफिक कार्ड या उसके अलावा साउंड कार्ड या मोडेम या लैंड कार्ड, एक तो बिल्टन होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर, तो उसके साथ भी जो वायर्स जा रही होंगी वो भी एक्सपेंशन वायर्स कहलाएंगी या एक्सपेंशन बसेस कहलाएंगी। इसी तरह जो नॉन बिल्टन होती हैं उसकी एक्सपेंशन स्लॉट्स बनी होती हैं, आम रूटीन में 4 स्लॉट्स होती हैं कंप्यूटर में, 4 स्लॉट्स होती हैं, तो उसको भी, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन बसेस। तो
एक्सपेंशन बस इज यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज माउस कीबोर्ड प्रिंटर एंड स्कैनर. एक्सपेंशन बसेज आर टिपिकली 16 to 64 बिट वाइड एंड आर माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड. मेन बोर्ड के ऊपर ये होती हैं और आम रूटीन में ये 16 to 64 तक ये बिट्स में वायर होती हैं. तो इसमें एक ग्राफिक कार्ड अगर आप अच्छी स्पीड का आप कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये एक्सपेंशन बस की स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए. तो इसमें स्टार्ट ऑन द मदरबोर्ड टू विच एक्सटर्नल डिवाइसेज मे बी कनेक्टेड. एक्सपेंशन बसेस प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफर स्पीड एंड वाइडर बिट विड्थ फॉर हायर डाटा ट्रांसफर रेट टू मेनी पेरिफेरल डिवाइसेज. तो इसमें मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं उस तक ये आएंगी, इसमें मुख्तलिफ जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ तक ये होंगी. तो नेक्स्ट आगे हम जो सिस्टम बसेज हैं उसको फिर हम डिटेल से भी आगे फर्दर स्टडी करेंगे. यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं इसको. मैं ये आम रूटीन में डेफिनेशन के तौर पर ये सारी आम रूटीन में की जाती हैं. यहाँ तक पढ़ेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.